आर से एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। क्लास 11 आर्ट। आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस राज्य में जल की इतनी अधिक समस्याएं पाई गई हैं जिसके कारण यहाँ राजस्थान राज्य में अकाल जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इस कारण से राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। नंबर एक आता है इसमें बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। नंबर दो अरब सागर का अपवाह तंत्र। नंबर तीन आंतरिक अपवाह तंत्र। इसमें बंगाल की खाड़ी से 23.3%, अरब सागर से 16.5% एवं आंतरिक अपवाह तंत्र से 60.2% के लगभग जल उपलब्ध हो पाता है। यहाँ सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र राजस्थान राज्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र माना जाता है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य नदियों में चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंधी, आदि नदियां हैं जो अपने जल को बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। इनमें से हम सबसे पहले चंबल नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। चंबल नदी, इसका प्राचीन नाम चर्मणवती इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश राज्य के महू जिले के जनापाव की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। और यह नदी
और यह नदी राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ के निकट चौरासी गढ़ में प्रवेश करती हैं इस कारण से यह नदी राजस्थान की एक नित्यवाही नदियों में मानी जाती है इस नदी को राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है जैसे यह नदी चित्तौड़गढ़ के निकट भैंसरोड़गढ़ में प्रवेश करती है तो इसके निकट चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। इस कारण से यह नदी राजस्थान की एक मुख्य नदी मानी जाती है। इसके बाद यह कोटा ज़िले में प्रवेश करती है। कोटा से यह सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जिसमें चंबल बनास एवं सिप तीनों नदियां एक स्थान पर मिल जाती हैं। इस कारण से ऐसे स्थान को त्रिवेणी संगम के रूप में कहा जाता है। उसके बाद में यह नदी सवाई माधोपुर से होती हुई करौली एवं करौली से फिर यह धौलपुर और धौलपुर के निकट जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जिसमें उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िला और इटावा ज़िले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। इस कारण से चंबल नदी राजस्थान की एक सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 692 किलोमीटर के लगभग हैं, लेकिन राजस्थान में इसके कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। इसके साथ ही जब यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है
तो इस कारण से राजस्थान की उन नदियों में मानी जाती है जहां अपवाह के आधार पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आगे हम इस चंबल नदी के बारे में अध्ययन करेंगे कि इस चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। इन 4 बांधों में से नंबर 1 गांधी सागर बांध, नंबर 2 राणा प्रताप सागर बांध, नंबर 3 कोटा बैराज, नंबर 4 जवाहर सागर बांध। इन बांधों में से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके अलावा ये तीनों बांध राजस्थान राज्य में बने हुए हैं और यह वो नदी है जिसके अंतर्गत ये चारों बांध बने हुए हैं। और इन चारों बांधों के अंतर्गत देखा जाए तो ये 100 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत बने हुए हैं। इसी के साथ साथ यह चंबल नदी राजस्थान की मुख्य नदी मानी जाती है और मुख्य नदी होने के कारण इस नदी से राजस्थान को पूरे वर्ष भर जल उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण से इस नदी को राजस्थान की नित्यवाही नदियों में माना जाता है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियों में बनास, पार्वती, कालीसिंध, इस नदी की सहायक नदियों में बनास, पार्वती, कालीसिंध एवं बाणगंगा आदि मुख्य नदियां हैं। अब अगली नदी हम बनास नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी नदी बनास नदी। इस नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थान राजसमंद जिले के खमनोर खमनोर की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है।
राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। इसके साथ ही यदि इस नदी के बारे में अध्ययन किया जाए तो यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अर्थात इसके बारे में बताया गया कि राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। कारण क्या है कि इस नदी का उद्गम स्थान राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से है, अर्थात राजस्थान में ही इसका उद्गम स्थान है और पूर्णतः यह राजस्थान में ही बहती है। इस कारण से इसको राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहा गया है। इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है यदि देखा जाए तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा अर्थात किन किन जिलों में बहती है ये, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर इन जिलों में इस नदी का अपवाह क्षेत्र माना गया है। इसके साथ ही यह नदी जैसे ही भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ के निकट प्रवेश करती है तो मांडलगढ़ के निकट बिगोंद नामक स्थान पर बिगोंद नामक स्थान पर यह त्रिवेणी संगम के रूप में बनाती है, जिसमें बनास, बेड़च और मेनाल मेनाल इन तीनों नदियों का संगम बनता है, जिसे त्रिवेणी संगम के रूप में कहा जाता है। इसके साथ ही जैसे बताया गया है कि राजस्थान में यह दूसरी मुख्य नदियों के रूप में मानी गई है। उसके बाद में यह सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर दूसरा त्रिवेणी संगम के रूप में बनाती है, जिसमें बनास सिप और चंबल बनास सिप तथा चंबल नदियों का त्रिवेणी संगम बनाती है ये। इसी के साथ साथ में इस बनास नदी की मुख्य सहायक नदियों में बेड़च बेड़च इसके सहायक नदियों में बेड़च सहायक नदियों में देखें तो बेड़च, कोठारी, बेड़च, कोठारी, मेनाली, खारी मोरेल आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। आज हम इन दो नदियों के बारे में जिसमें चंबल और बनास नदियों के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद में जो शेष जो नदियां हैं इनको कल आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में
इतना ही है।